जिसने आपको ये सब बातें कही है। नमस्कार शिक्षकगण एवं शिक्षक मित्रों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस टॉपिक पे जो कि है, जिसका हमने शीर्षक दिया है स्वास्थ्य बढ़ना। एक तरह से ये स्पर्श का प्रोग्राम है, स्पर्श का कार्यक्रम है। स्पर्श का मतलब युवा अवस्था का स्पर्श। अब आप लोग जानते हैं कि हम लोग तीन दौर से गुजरे हैं और ये जो अवस्था है, इस अवस्था में जो एक विद्यार्थी होता है वो ना तो वयस्क होता है और ना ही वो बाल्य अवस्था में होता है। वो एक प्रक्रिया से गुजरना होता है वयस्क होने की तरफ, वयस्क होने की तरफ वो बढ़ना होता है। और उस दौरान उसको किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हम भी चूंकि उसी दौर से गुजरे हैं, तो आप जब इस मॉड्यूल में आप मेरे साथ सफर करेंगे तो आपको अपने अपने समय की याद आएगी और आपको लगेगा कि हाँ, हम भी ऐसे समय से गुजरे हैं। तो इस मॉड्यूल में हम तीन चीजों को विशेष रूप से हम इसमें देखेंगे। सबसे पहली चीज है कि जो शारीरिक परिवर्तन, जो शारीरिक बदलाव जिसको हम बायोलॉजिकल ग्रोथ जिसको हम कह सकते हैं, बायोलॉजिकल जो ग्रोथ होता है, तो सबसे पहली चीज है कि शारीरिक विकास होता है, उसमें बदलाव आता रहता है। दूसरी चीज होती है कि बहुत सारे हार्मोन आते हैं शरीर में, नए भी बनते हैं और पुराने हार्मोन्स भी बढ़ते रहते हैं, तो उस वजह से भी जो परिवर्तन आता है एक व्यक्ति के इमोशंस में, उसके व्यवहार में, उसके संवेदनाओं में, तो उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। और तीसरी चीज हम इस मॉड्यूल में देखेंगे कि किस प्रकार से शिक्षक उनको बता सकता है, उनको समझा सकता है, उनको उन समस्याओं से लड़ने में, उन समस्याओं के समाधान में मदद कर सकता है। होता क्या है कि जो उस उम्र के जो विद्यार्थी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो दोस्त ढूंढ रहे होते हैं और एक शिक्षक होने के नाते हम लोग कैसे एक शिक्षक के साथ साथ कैसे हम उसके माता पिता में बन जाते हैं और कैसे माता पिता बनते हुए और कैसे हम मित्र भी बन जाते हैं और कई बार मित्र बनते हुए हम मेंटर की भूमिका भी अदा करते हैं। अगर हम चाहेंगे, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से हम चीजों को देख रहे हैं, किस प्रकार से चीजों को सीख रहे हैं। तो और इस मॉड्यूल में आपको एक दो चीजें और इसमें जो हम आगे देखेंगे, कुछ एक्टिविटीज हैं जो हम कक्षा में करवा सकते हैं। वो एक्टिविटी जो है, एक क्लास नहीं तो दो क्लास को मिला करके अगर चाहेंगे तो एक्टिविटी 40 मिनट की क्लास होती है, 20 मिनट की होती है, तो दो क्लास अगर है तो घंटे में हम उस एक्टिविटीज को करा सकते हैं। छोटी छोटी एक्टिविटीज है, इसके लिए बाहर नहीं जाना, क्लासरूम में ही करवा सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं किस प्रकार से आगे। ये आप देख रहे हैं, मैंने आपको पहले ही किया, मॉड्यूल जो है वो किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में जागरूकता से संबंधित। जागरूकता चाहिए, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो झूठ है, जो वैसे ही फैला हुआ है, उससे हम लोगों को अवेयर होना है, उससे हम लोगों को जागरूक होना है और परिवर्तनों को प्रतिबंधित करने एवं किशोरावस्था से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए समालोचनात्मक चिंतन, समस्या को हल करने और निर्णय लेने के कौशल का निर्माण करता है। निर्णय लेने का भी एक कौशल होता है, एक कला होती है, निर्णय लेना भी एक कला है और समालोचनात्मक चिंतन भ्रांतियों को लेकर के समालोचनात्मक चिंतन बहुत आवश्यक है, क्योंकि वैसे हम एक तरफा बोलेंगे तो कोई मानेगा तो
समालोचना चाहिए, तो क्या परिवर्तन होते हैं उस अवस्था में, उस प्रतिकूल में, और उससे हम कैसे हम जागरूक कर सकते हैं उनको, और कैसे हम जागरूक कर सकते हैं, और कैसे इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए समालोचनात्मक चिंतन करके समस्या का हल प्रदान करने के लिए हम निर्णय ले सकते हैं। अब देखिएगा वही चीजें यहाँ पे आ जाती है कि स्वास्थ्य परिणाम क्या है, कि स्वास्थ्य क्या है। पहले तो हमको स्वास्थ्य को समझना पड़ेगा। स्वास्थ्य शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आरोग्य की स्थिति है। ऐसी स्थिति है स्वास्थ्य जिसमें इन सारे जो पैरामीटर्स आपके दिए हुए हैं, ये सारे जो आयाम आपके दिए हुए हैं, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, ये सारे आरोग्य की स्थिति को हम स्वास्थ्य कहते हैं। सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना स्वास्थ्य नहीं है। उसके बाद आप देखते हैं कि स्वास्थ्य स्वस्थ पढ़ना व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की दिशा में एक सचेत प्रयास, एक ऐसा प्रयास जो अवेयर होकर हम लोग प्रयास करते हैं, अपने आप कई प्रयास हो जाते हैं, अवेयर होकर जब हम कोई प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उसका जो परिणाम है वो बहुत अच्छा है। यह सभी जीवन चरणों के लिए सच है। बहुत सारे जीवन के चरण है, लेकिन यहाँ थोड़ा विद्यार्थी चरण लेने चाहिए। विशेष रूप से आयु समूह जो है 10 से 19 वर्ष का जो विद्यार्थी होता है, क्योंकि ना तो बच्चा रह जाता और ना वो वयस्क उस समय हुआ रहता है, तो उस वर्ष की तेजी से और शारीरिक संज्ञानात्मक संज्ञान लेना, संज्ञानात्मक का मतलब होता है कि हम समझने की शक्ति, समझाने संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक परिवर्तनों द्वारा चिन्हित होता है। समाज में जो भावनात्मक परिवर्तन किशोरावस्था, बचपन और वयस्क के बीच का एक परिवर्तन काल है। ये ऐसा काल है जिसमें परिवर्तन होता है। थोड़ा और आगे बात करेगा वयस्क की ओर एक स्वस्थ जो है काल के लिए बच्चों को खुद में बदलाव को समझना और प्रतिबंधित करने के लिए समाज के लिए समाज की बदलती अपेक्षाओं को समझना आवश्यक है। जो समाज की जो बदलती अपेक्षाएं हैं, आज आप देखते हैं कि हम लोगों से क्या अपेक्षा की जाती है और आज से 20 साल पहले शिक्षकों से क्या अपेक्षा की जाती है, तो समाज की जो अपेक्षा है उसके अनुरूप हम भी चलते हैं और बच्चों को भी उसके अनुरूप चलाना है। यह मॉड्यूल किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में जागरूकता से संबंधित है और परिवर्तनों को प्रतिबंधित करने एवं किशोरावस्था से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए समालोचनात्मक चिंतन, समस्या को हल करने और निर्णय लेने के कौशल का निर्माण करता है। इसके साथ ही मॉड्यूल किशोरावस्था के दौरान होने वाले बदलाव और उनसे जुड़ी सामाजिक घटनाओं मतलब जो रोक लगा दी गई है समाज द्वारा, बहुत सारी चीजों पर रोक लगी हुई है, लगाई जाती है घटनाओं पर जानकारी निर्मित करने पर केंद्रित है। हमको जानकारी निर्मित करनी है और वो जानकारी जो निर्मित है वो आपको देखेंगे। यह मॉड्यूल किशोरावस्था से जुड़ी सामाजिक घटनाओं पर सवाल उठाने के कौशल का भी निर्माण करते हैं। जो सामाजिक घटनाएं हैं उसमें सवाल भी उठाने का कौशल इसलिए आपको देखेगा। मॉड्यूल इस अवधि के दौरान बच्चों के सामने आने वाले मुद्दों और बुरी प्रतिधारणाओं को दूर करने के लिए सकारात्मक आत्म अवधारणा और कौशल विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। मतलब जो रूढ़ी, जो पहले से जो चीजें चलती आ रही है उनको भी बदला जा सकता है, जो मिथक है उनमें भी, उनसे हम कैसे बदल सकते हैं, कैसे उस जागरूक हो सकते हैं उन चीजों को लेकर के। यह सत्र किशोरावस्था में परिवर्तन के बारे में चिंताओं को लेकर साथियों के प्रति संवेदनशीलता के एक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का प्रयास भी करता है। देखिए आज के समय में जो है, जो बिहेवियर है, जो बच्चे का एक दूसरे से जो मेल मिलाप है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है और उसमें भी साथियों के प्रति संवेदनशीलता के एक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। जानकारी और सेवाओं के लिए किशोरों की किशोर व्यक्तिपूर्ण सेवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश भी इस मॉड्यूल में की गई है। मतलब व्यक्तिपूर्ण संबंध किशोर का किशोर, पालक का पालक से विद्यार्थी का विद्यार्थी, तो छात्रों
शिक्षक को माफ कीजिएगा, मेरे लिए तो आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से शारीरिक परिवर्तन क्या क्या उसमें आता है वो आप देख रहे हैं। शारीरिक परिवर्तन होता है नई चीजों का प्रयोग करने और सीखने के लिए उत्सुकता होती है। कभी भी आप देखिएगा जो बत्तीस उम्र के बच्चे होते हैं नई चीज सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं और नई चीजें सीखने के लिए काफी। उसके बाद आप देखेंगे कि खुद की शक्ल और सूरत की तरफ ध्यान बढ़ना। अब उस समय बच्चे खुद की शक्ल सूरत पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं वगैरह वगैरह, और स्वतंत्र पहचान बनाने की यहाँ पे ललक जग जाती है कि हाँ मेरी कुछ अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। और अक्सर हम देखते हैं कि किसी में मतभेद हो जाता है क्योंकि वो स्वतंत्र है, अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व चाहता है और उसकी वजह से कई चीज ऐसी सामने आ जाती है कि कई बार हम लोगों को उसको संभालना पड़ता है। तो स्वतंत्र पहचान बनाने तथा माता पिता अन्य वयस्कों और साथियों द्वारा समाज के साथ व्यवहार करने की अपेक्षा भी बढ़ जाती है। उस उम्र का विद्यार्थी चाहता है कि मुझे सामने वाला सम्मान दे, मुझे सामने वाला इज्जत दे और वो अपेक्षा करता है। अगर वो अपेक्षा पे नहीं ग्रहण करते पर फिर बातें लग जाती तो ये चीजें जागरूकता से संबंधित है। उसके बाद क्या है कि नए दोस्त बनाने और लोगों से मिलने जुलने की इच्छा बढ़ जाती है। जिन साथियों से अधिक प्रभावित होते हैं विद्यार्थी वो सबसे ज्यादा प्रभावित साथियों से होते हैं। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि शिक्षक बनते होते कैसे जब हम मित्र बन जाते हैं तो फिर वो हमारे बात को सुनने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको मित्र की बात और साथी की बात ही ज्यादा समझ में आती है, माता पिता और शिक्षकों की बात समझते नहीं आते तो साथियों से अधिक प्रभावित होने लगते हैं, ऊर्जावान रहते हैं उन दिनों और उत्साही प्रवृत्ति के हो जाते हैं और मस्ती और रोमांच की बढ़ती हुई भावना उनके अंदर होती है कि हम मस्ती करें रोमांच वाली बात इस तरह से। उसके बाद मिजाज जो होता है, मिजाज और भावनात्मक अस्थिरता, जो मिजाज जो है वो अस्थिर रहता है, बदलता रहता है, इधर उधर होता रहता है। मिजाज और भावनात्मक अस्थिरता को प्यार और दोस्तों के प्रति भावनाओं में लगातार परिवर्तन, ये चीजें इसमें जो है ये परिवर्तन इस प्रकार का व्यवहार में परिवर्तन आएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि भविष्य के लिए आकांक्षाओं का विकास होता है इसमें कि भविष्य में मुझे क्या गोल करना है, सेट करना है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जीविका को लेकर चिंता का बढ़ना, स्वयं के बारे में निर्णय लेना शुरू करना। स्वयं के बारे में उससे पहले तो माँ बाप निर्णय लेते हैं लेकिन इस निर्णय लेने लगते हैं, वो निर्णय कितने सही है कितने गलत होते हैं वो तो निर्भर करता है उसके अपने ज्ञान और जागरूकता पे, लेकिन निर्णय लेना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो है सराहना और मान्यता की यहाँ पे आवश्यकता होती है, आप मानेंगे सराहेंगे मान्यता देंगे इसकी आवश्यकता बहुत यहाँ पे रहती है। चरण एक यहाँ पे देखिए क्या है कि बचपन से व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन किशोरावस्था का आग्रह, ये हमारा चरण एक से देखिए। शिक्षार्थियों को उन सभी परिवर्तनों के बारे में सोचें और लिखने के लिए कहें जो उन्होंने अपने भीतर बचपन से ही देखे हैं जब वे 6 से 8 वर्ष के। मैंने बोला कि क्लास में आप छोटी-छोटी एक्टिविटीज के माध्यम से आप बता सकते हैं, कर सकते हैं, तो आप देखिए तो उसको छात्र को ये कहेंगे कि जब 6 से 8 साल के थे उस समय तुमने क्या क्या परिवर्तन देखे वो लिखने के लिए कहेंगे। उन्हें बताएं कि इन परिवर्तनों में शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन, बदलती रुचि, बदलते रिश्ते, नई प्राथमिकताएं, खेल, निजी कार्यक्रम आदि शामिल हो सकते हैं। क्योंकि बच्चा कहेगा कि क्या लिखूंगा तो क्या क्या शामिल कर सकते हो वो भी बता देंगे हमको ताकि वो लिखने में आसानी रहे। आगे बढ़ रहे हैं सर, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यदि शिक्षार्थी निर्देशों को नहीं समझते होता है, निर्देशों को नहीं समझते अक्सर आप कक्षा में इस तरह तो परिवर्तनों को उदाहरणों से दे, उदाहरण के माध्यम से उदाहरण समझेगा ही समझेगा, वैसे नहीं समझेगा। अगर सीधा सीधा आपका आपके इंस्ट्रक्शन को आपके निर्देशों को नहीं समझ रहा है तो
उदाहरणों से हम उनसे निर्देश देना शुरू करेंगे, सब को तुरंत समझने लगेगा। इसलिए आप पाते हैं कि आप अचानक आत्म सचेत हो गए हैं या आप विभिन्न प्रकार के संगीत का आनंद लेने लगते हैं। तो पूछेंगे कि क्या संगीत का आनंद आता है तुमको, आपको आ रहा है? अगर इस तरीके से हम पूछेंगे तो अपने आप उस स्थिति में आ जाएगा कि उसको कैसे ज्ञान मिलना है, समझ जाएगा आपके साथ। उससे पूछेंगे कि इसको जो है आप विभिन्न प्रकार के संगीत का आनंद लेते हैं या आपको नए दोस्त बनाने में रुचि है आदि, उन्हें लिखने चित्र बनाने के लिए 10 मिनट दे दें, 8-10 विद्यार्थियों को साझा करने के लिए कहें, 8-10 विद्यार्थियों को साझा करने के लिए इस गतिविधि को संक्षेप में बताएं कि यद्यपि हम अपने पूरे जीवन भर बदलते हैं, किशोरावस्था तेजी से बदलाव करती है, यह बड़े होने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उनको बताए कि यह स्वाभाविक हिस्सा है, नेचुरल है, यह होना ही है, ये कोई इससे बच नहीं सकता, इससे घबराने की या इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद आप बताएं कि कुछ बदलाव हमारे लिए अनोखे हो सकते हैं और कुछ हमें से कई के लिए सामान्य हो सकते हैं, जैसे परिवार से बाहर या सहकर्मी समूह के साथ गहरे रिश्ते बनाना कई बच्चों में देखा जाता है, गहरे रिश्ते समूह में बच्चे जीवन बना लेते हैं, और लेकिन एक वयस्क व्यक्ति के साथ समय बिताने की दिलचस्पी शायद किसी एक विशिष्ट व्यक्ति ने ही देखी गई हो। कोई समूह में घुल मिल जाता है, कोई नहीं घुल मिलता, कोई व्यक्तिगत रूप से वन टू वन अकेले एक व्यक्ति से जुड़ पाता है, समूह में नहीं जुड़ पाता है, ऐसा हमने देखा है, विद्यार्थी के साथ ऐसा होता है। तो उस प्रकार से जो है फिर चरण दो में आप देखेंगे अपने लाभ के लिए परिवर्तन का प्रबंधन करें, शिक्षार्थियों को 5-6 के समूह में विभाजित करें और प्रत्येक समूह को अपने प्रश्नों के साथ केस स्टडी एक गति में समूह कार्य के लिए निर्देश दें, समूह में कार्य समूह में बांटे, समूह कार्य के लिए निर्देश दे दें और उनको जो जो भी केस आपने बनाया है वो उसकी एक एक प्रति दें ताकि वो केस को पढ़ करके फिर वो अपना उसमें एक्टिविटी को करेंगे। तो एक शिक्षार्थी समूह में केस स्टडी जोर से पढ़ सकता है, जोर से पढ़ेगा उस केस स्टडी को। चिन्हित शिक्षार्थी सवाल पूछेंगे, उसमें से कुछ शिक्षार्थियों को चिन्हित कर लिया जाएगा कि उनको सवाल पूछना है और वो सवाल पूछेंगे। समूह का हर शिक्षार्थी सवालों पर अपने विचार साझा करेगा और विचार को सभी को साझा करेगा, ये नहीं है कि कोई उसमें बच जाएगा, विचार सभी को साझा करेगा। इसे बड़े समूह के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, पूरे समूह के समक्ष, उन्हें समूह चर्चा के लिए 10 मिनट दें, प्रत्येक समूह को अपनी केस स्टडी पढ़ने के लिए कहें, बड़े समूह से प्रश्न पूछें और उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करें, प्रश्न पूछें जो प्रतिक्रियाएं आ रही है उसको साझा। अंत में उन विभिन्न लक्षणों को जिन्हें समूहों ने उजागर किया और केस स्टडी में पात्रों पर हुए परिवर्तनों के प्रभाव को भी संक्षेप में प्रस्तुत करें। अब आपने जो भी वहां पे आपके पास आ गया, जब प्रश्न आए और जवाब आए तो आपके पास जो है एक पूरी भूमिका बन गई थी किस तरह का, तो उसको फिर हमको साझा करके और सबको उस तरीके से हमको संक्षेप में उसका प्रभाव प्रस्तुत कर देना है। अब क्या है कि इसके बाद देखते हैं कि शिक्षार्थियों को सूचित करें कि शारीरिक परिवर्तनों के अलावा उन्हें कई अन्य परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जैसा पहले किशोरावस्था के दौरान परिवर्तनों में बताया गया है। किशोरावस्था के दौरान जो परिवर्तन शारीरिक के अलावा और भी कई परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। किशोरावस्था तेजी से बदलाव जरूरी है, हमें चिंतित हुए बिना इन परिवर्तनों के लिए तैयार रहना चाहिए, यह बड़े होने का एक हिस्सा है, बड़े होने का एक हिस्सा है। शिक्षार्थियों को बताएं कि आयुष्मान भारत के विषय में बता सकते हैं, आयुष्मान भारत के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य इस चरण में एक विशाल समृद्ध समय और वयस्कता जो है और ये प्रासंगिक है और आपको प्रासंगिक
प्रासंगिकता वहां से होती है। और हम केस ज्यादा वैसे तो बहुत सारे केस हो सकते हैं, बहुत सारे केस स्टडीज हो सकती है, लेकिन हम एक बार देखते केस में कि कैसे हम करना है समय के उसको चलाए। तो केस स्टडी जो है पहला कि इसमें आप देख रहे हैं कि तीन सफाई करता है वो छात्री है, तीन दोस्त 13-14 साल के हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गांव पर जाते हैं, वे अपने गांव में सफाई की कमी देखकर होती है, वे अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदारियों की योजना बनाकर उन्हें बांटते हैं। मतलब कैसे जैसे स्वास्थ्य स्वच्छता और कल्याण के बारे में ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाना, जब ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ जाएगी तो अपने आप गंदगी की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले चाहिए पुरानी वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, उसको फेंकना नहीं, पुनः उपयोग करना, और बच्चों को एक साथ लाकर काम की सफाई करना। इस तरीके से जब उन्होंने गांव वाले से अपने प्रयास से जुड़ने के लिए कहा तो उन्हें समर्थन नहीं मिलता है। आप जानते हैं कि जल्दी अच्छे काम के लिए समर्थन मुश्किल है, तो नहीं मिलता। तो तीनों दोस्त काम को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं क्योंकि उनके अंदर वो है विश्वास उनको करना है, तो वो संकल्पी है, संकल्प है, तो फैसला करते हैं और उनके काम को देखकर गांव वाले उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। जब खुद ही शुरू कर देते हैं तो दूसरे देखते हैं गांव वाले को तो शर्म आती है और वो प्रेरित हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये केस स्टडी हमारी है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा दीजिएगा, इसमें चर्चा के लिए बिल्कुल हमको क्या क्या चर्चा करनी है, इन तीन युवाओं में ऐसे कौन से लक्षण हैं जो उन्हें गांव की सफाई और स्वच्छता के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा, बच्चों द्वारा अपने और अपने समुदाय के लाभ के लिए इन लक्षणों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तीसरा, इन लक्षणों का कोई नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, यदि हाँ तो इनको कैसे कम किया जा सकता है, किस तरह के हमारे होंगे पहले इस पर चर्चा करेंगे। अब इसमें लेकर ध्यान देने वाली बात है कि कुछ विशेष जरूरतों वाले बच्चे अगर कक्षा में हैं तो फिर उनके लिए जो जो भी टूल चाहिए, ब्रेल लिपि वाला टूल चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो फिर उपलब्ध कराना जाती है। तो इसमें थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, इसमें आप देख रहे हैं कि केस स्टडी टू, इसमें आयुष और उसका जो है आयुष और उसका आयुष अभी 15 साल का भी नहीं है, वह खेल और साहसिक गतिविधियों में बहुत अच्छा है। साहसिक बच्चे भी आप जानते हैं कि इंडोर गेम आउटडोर गेम सब तरह के गेम्स होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बच्चा आउटडोर में जाए, हर बच्चा इंडोर में जाए, अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती है। तो वह कई चीजों को आजमाने का इच्छुक है। उसने हाल ही में टेलीविजन पर एक विज्ञापन देखा जिसमें एक लड़के को मोटर बाइक पर ऊंची छलांग लगाते दिखाया गया, आयुष यह देखकर रोमांचित हो गया और उसने ऐसा ही करने का फैसला किया। सौभाग्य से उसके एक रिश्तेदार ने आयुष की योजना को सुन लिया और उसने रोक दिया। आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं जिसके बच्चे जो है बहुत खराब हो गए, आगे बढ़ते हैं। तो ये संकल्प का तो इसमें चर्चा के बिंदु हम देख लेते हैं कि आयुष ने ऐसा फैसला क्यों किया, आयुष के इस लक्षण को आप क्या कहेंगे, आयुष के ऐसे करने के क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, नहीं हो सकता परिणाम जान तक जा सकते हैं, क्या इस उम्र में मीडिया से प्रभावित होना सामान्य बात है। तो इस तरीके से गतिविधि
जीवन कौशल इसमें क्या है, आत्म जागरूकता, सहानुभूति, निर्णय लेना और प्रभावी प्रभावी संचार, ये तीन आयाम यहाँ पे पूरे होते हैं। संसाधन इस श्रेणी की गणना होनी चाहिए, चर्चा के लिए प्रश्न होने चाहिए और कागज पर कागज कलम भी होना चाहिए, कभी संसाधन प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि निर्देश क्या क्या, इस गतिविधि को लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक के लिए सामग्री और कार्य प्रणाली अलग है। दूसरी चीज है कि पिछली गतिविधि किशोरावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करती है, यह गतिविधि प्रजनन प्रणाली में परिवर्तन और स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करती है। तो किशोरावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तनों पर चर्चा करना, अब इसमें बोर्ड के दो किनारों पर एक लड़कियां और लड़के लिखेंगे और शिक्षार्थियों को लड़कियों और लड़कों के बीच किशोरावस्था के दौरान होने वाले सभी शारीरिक परिवर्तनों को साझा करने के लिए कहें, बोर्ड पर इसकी प्रतिक्रियाओं को भी लिखें। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे हो सकता है कि हम ध्यान देने वाली बात है कि सांस्कृतिक संदर्भ को देखते हुए हम लड़कियों से अलग ही हम इस तरीके से हम अलग से भी बात को कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखवा सकते हैं, बोर्ड पर नहीं लिखवा सकते, निर्भर करेगा कि आप वर्ल्ड एजुकेशन में या किस प्रकार से वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। इसके बाद थोड़ा सा और पढ़ा देंगे इस स्टडी पर फीचर पर, यहाँ शिक्षार्थियों को 5-6 सदस्यों के समूह विभाजित करें और प्रत्येक समूह को केस स्टडी की प्रक्रिया दे दें। समूह को केस स्टडी पढ़ने के लिए 10 मिनट चर्चा करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखें। प्रत्येक समूह के रिपोर्टर को केस स्टडी को पढ़ने और प्रतिक्रियाओं को साझा करने के लिए कहें, उनकी कहानी के साथ दिए गए प्रत्येक प्रश्न के लिए प्रस्तुति दें। यदि दो समूह में एक ही केस स्टडी है कभी तक तो उन्हें एक के बाद एक अपनी प्रस्तुति देने के लिए कहें। मेरे पिता मुझे शेर कहते हैं,
राकेश और वीर विद्यालय में एक साथ आ रहे हैं, से एक साथ आ रहे हैं। राकेश यह कहते हुए वीर को दिखाने लगता है कि वह एक लड़की की आवाज में बोलता है। वह इस बात पर भी हंसता है कि वीर के ऊपरी होंठ पर एक भी बाल नहीं है। राकेश कहता है, मुझे देखो, मैं एक असली मर्द हूँ, मेरी आवाज मजबूत है और मेरा चेहरा भी मुरकरा है। मेरे चेहरे पर बाल आ गए हैं, मेरे पिता मुझे शेर कहते हैं। मीर को अपने बारे में संदेह होना शुरू हो जाता है और उसे लगता है कि उसमें कुछ कमी है। यह वह याद करता है कि उसकी माँ अभी भी उसे मेरा प्यारा लड़का कहती है। वह घर जाकर माँ से पूछता है कि वह राकेश से इतना अलग क्यों है और क्या उसमें कुछ कमी है। इस तरह के सवाल उठते हैं, ठीक है। उस समय अब आगे देखने की चर्चा के लिए बिंदु, आपको क्या लगता है कि मीर को राकेश की टिप्पणी कैसी लगी होगी मीर को राकेश की टिप्पणी? उसके बाद चर्चा के लिए इसमें क्या क्या मैं थोड़ा सा और आगे बात करेगा। आपको क्या लगता है कि मीर को राकेश की टिप्पणी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि मीर में कुछ गड़बड़ है और है तो क्यों, ये बताना होगा। मीर की माँ से माँ ने से क्या बताया है और क्या आपको लगता है कि बच्चों को उनके होने वाले परिवर्तनों के बारे में तैयार करना महत्वपूर्ण है और अगर ऐसा लगता है तो क्यों? आगे बढ़ जाएंगे। यौवनावस्था दान करना सीखने के प्रतिफल, शिक्षा के लिए है। यहाँ पे यौवनावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन करता है। महावाणी चक्र और रात्रि वीर्य उत्सर्जन स्वप्न दोष की बुनियादी समझ का वर्णन करता है। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के तरीकों का वर्णन करता है। विशेष रूप से महावाणी और रात्रि वीर्य उत्सर्जन स्वप्न दोष के दौरान समय की आवश्यकता यहाँ पे आवाज करेगा, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। देखिएगा जीवन इसमें क्या कौशल आपको मिला, आपको क्या उसका सहानुभूति, उसके बाद समस्या का समाधान, प्रभावी संचार और समालोचनात्मक चिंतन, ये चीजें इसमें शामिल है। संसाधन इसमें केस स्टडी की तैयारियां होती रहेंगी और कार्य कदम होते रहेंगे। इसके अलावा आप जो निर्देश हम देख लेते हैं, क्या निर्देश है, निम्नलिखित गतिविधि लड़कियों और लड़कों दोनों में किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाता है। इन परिवर्तनों को समझने से शिक्षार्थियों में जागरूकता बढ़ेगी और सकारात्मक आत्म अवधारणा विकसित करने में भी मदद मिलेगी। इस गतिविधि तो यहाँ पे देखिएगा, इस गतिविधि का लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग, इस गतिविधि को अलग अलग करवाया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक के लिए सामग्री और कार्य प्रणाली अलग है। पिछली गतिविधि किशोरावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह गतिविधि प्रजनन प्रणाली में परिवर्तन और स्वच्छता बनाए रखने के तरीकों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करती है। इसमें जो है सहजकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों खुद की हिचक को पहले दूर करें,
टीचर को पहले फोन करें, नहीं तो शिक्षार्थियों को चर्चा के लिए सह वातावरण नहीं प्रदान कर सकेंगे। अगर आप स्वयं सह नहीं रहेंगे तो आप नहीं वातावरण दे पाएंगे। शिक्षार्थी कुछ प्रश्न पूर्वक पूछने में संकोच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का विषय एक प्रश्न बॉक्स उन्हें प्रश्न पूछने और प्रतिक्रियाएं पूर्ण नाम रूप से प्राप्त करने में मदद करता है। शिक्षार्थियों के पास ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिनका आपको उत्तर नहीं पता है, आप उन्हें बता सकते हैं कि उन्हें अगले सत्र में जवाब दिया जाएगा। हो सकता है कोई प्रश्न ऐसा आ जाए जिसका उत्तर आपको नहीं पता, तो फिर आप उसको अगले सत्र के लिए उस प्रश्न को आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता सकते हैं, बता दें कि इन विषयों के आसपास सामाजिक परिणामों के कारण, इन विषयों के आसपास सामाजिक परिणामों के कारण सही जानकारी प्राप्त करना अक्सर मुश्किल होता है। सामाजिक परिणाम इतनी है कि सही मुश्किल हो जाता है। यह सत्य संदेश, यह सत्य संदेह को स्पष्ट करने का एक अवसर है। जो भी संदेह है वो यहाँ दूर हो जाएंगे, इसलिए सवाल पूछना और साझा करने में संकोच न करें। ऐसा आपको प्रश्न बॉक्स कैसे बनेगा, किसी बच्चे के डिब्बे को ले और उसमें एक तीर बनाए जो कागज की पर्ची डालने के लिए पर्याप्त है, सुनिश्चित करें कि आप उसे एक सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। बता दें कि इन विषयों के आसपास ये तो आपने देखी या समझ लेंगे। अब यहाँ पे आगे चढ़ने महावाणी के बारे में कहानी और चर्चा, रीना की कहानी ये हम लोग देंगे। रीना एक 13 साल की लड़की है जो सातवीं कक्षा में पढ़ती है। कक्षा में बैठने के दौरान उसे महामारी पहली बार शुरू हुई। वह स्थिति के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए घबरा गई और उसने सोचा कि उसे कोई बड़ी बीमारी है। उसने अपनी दोस्त ज्योति के साथ इसकी सहायता की। अब यहाँ पे शिक्षार्थियों के लिए रीना की कहानी पढ़ते हैं। उसके बाद शिक्षार्थी के लिए रीना की कहानी पढ़ने के बाद, कहानी पढ़ने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर एक चर्चा शुरू करें। महामारी क्या है, यदि आप रीना के दोस्त होते तो आप उसे क्या बताते, महामारी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों की व्याख्या करें। कौन कौन से तथ्यों की आप व्याख्या करनी जरूरी हो जाती है। महामारी मासिक से भाषा से और उसकों का नियमित प्रवाह है। आमतौर पर प्रत्येक चक्र 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। हालांकि व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती हैं और यदि रक्त स्राव 7 दिनों से अधिक समय तक जारी रहता है तो चिकित्सक से परामर्श करें। विज्ञान की जो पुस्तक है कक्षा 8वीं में और कक्षा 10वीं का उसको भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आगे बढ़ा देंगे थोड़ा छेड़ना अच्छा। आमतौर पर लड़कियों में जो मासिक धर्म है वो 9 से 16 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है, जिसको रजो धर्म कहते हैं, और 45 से 55 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है, जिसको हम रजो विकृति कहते हैं। चक्र की लंबाई 21 से 35 दिनों तक होती है। इस प्रकार मौसम में 28 दिन लंबा रहता है। अगर किसी लड़की को 16 साल की उम्र तक महावारी शुरू नहीं होती है तो किसी योग्य चिकित्सक से सलाह लेना उचित है। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना यहाँ पे दिखेगा। इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है कि संक्रमण से बचने के लिए विशेष रूप से महामारी के दौरान नियमित रूप से स्नान और अपने शरीर को अच्छी तरह से धोना महत्वपूर्ण है। नीचे पहनने के कपड़े नियमित रूप से बदलें, दिन में कम से कम एक बार, और सिंथेटिक सामग्री से बचें। उसके बाद महामारी के दौरान संक्रमण से बचने के लिए हर 4 से 6 घंटे में जो पैड है या नैपकिन है उसको बदलें। आगे हम देख रहे हैं कि नीचे पहनने के कपड़े नियमित रूप से बदलें, दिन में कम से कम एक बार, और ये तो हो गया। हम महामारी स्वच्छता का प्रबंधन करने के लिए
सैनिटरी नैपकिन का उपयोग कर सकते हैं। कई लड़कियां और महिलाएं पुराने कपड़े और सूती कपड़े से घर पर सैनिटरी नैपकिन भी बनाती हैं। यद्यपि आप घर पर सैनिटरी नैपकिन बनाते हैं तो केवल साफ मुलायम सूती कपड़े का उपयोग करें, पुराने कपड़े का उपयोग न करें जिसमें चमक गोटा या हो और घटन जैसी कोई धातु या प्लास्टिक का हिस्सा हो इसमें इससे जो है चोट लग सकती है। यदि एक कपड़े को फिर से पैंट के रूप में इस्तेमाल करना है तो उसे साबुन के साथ अच्छी तरह धोया जाना चाहिए और अगले उपयोग से पहले धूप में सुखाया जाना उस बात की आवश्यक है क्योंकि धूप एक उत्कृष्ट कीटनाशक है। गंदे या नम कपड़े का प्रयोग वहां पे नहीं करते। यदि एक कपड़े को फिर से पैंट के रूप में इस्तेमाल हो गया विशेष रूप से आवश्यकता वाले बच्चों को जो विशेष रूप से जो कुछ विद्यालयों में जो है कुछ विद्यालयों में भस्मक है जो सैनिटरी पैड को निपटाने के लिए एक और सुरक्षित तरीका प्रदान करते हैं। सैनिटरी पैड के निपटान की प्रक्रिया में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें सरकार किशोर लड़कियों 10 से 19 वर्ष के बीच महामारी स्वच्छता को बढ़ावा देने की के लिए योजनाओं का समर्थन कर रही है। सैनिटरी नैपकिन विद्यालयों में मुफ्त या अनुदानित दर पर आशा द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें चर्चा की शिक्षार्थियों को 5-6 के समूह में विभाजित करें। पहली कॉपी को समूह की आधी संख्या के लिए सौंपें और दूसरी कॉपी को शेष के लिए छोड़ दें। यदि 2 से अधिक समूह होंगे इस कॉपी को दोहराया जा सकता है। दोनों समूहों से अपनी कॉमिक्स का आदान प्रदान करने और पढ़ने के लिए कहें ताकि हर कोई कॉमिक में चित्रित कहानी को समझे और चर्चा में भाग ले सके। कॉमिक्स पढ़ने के लिए समूहों को 5 मिनट दें। दोनों कॉमिक्स पर चर्चा या सब सामग्री है। अब समूहों में से एक को प्रश्न कर अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए कहें। अपनी प्रतिक्रियाएं जोड़ने के लिए उसी कॉमिक वाले अन्य समूहों से पूछे उसी कॉमिक के जो अन्य समूह दो तीन आपने जो बनाए पूछे समूह द्वारा दी गई सही जानकारी को स्वीकार करें। उसके बाद कॉमिक की चर्चा करके बच्चों को बहाल करें। किशोरावस्था के दौरान लड़कों के बगल में चेहरे पर छाती हाथ और पैरों पर बाल उठने लगते हैं। जन्मांक के बाद भी पढ़ने लगते हैं। हार्मोन के प्रभाव में जो तेल ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती है अतिरिक्त तेल त्वचा छिद्रों को अवरुद्ध कर सकती है और फुंसी और मुनासिब पैदा कर सकता है। जो अतिरिक्त तेल जो है रहता है वो छिद्र बंद हो जाएंगे वहां से अतिरिक्त लगे तो ये चीज है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आवाज में यहाँ पे आवाज में भारीपन शुरू हो सकती है। रात उत्सर्जन से तात्पर्य नींद के दौरान पीने का स्राव है। इसे नाइट काल या स्वप्नदोष के रूप में भी जाना जाता है। कई किशोर लड़कों को स्वप्नदोष होता है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हर कोई इसका अनुभव करे। किशोरावस्था के दौरान लड़कों को स्वप्नदोष होना एक सामान्य है। इसके लिए कोई गतिविधि को लेकर आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पे क्या है कि स्वप्नदोष एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कई लड़के लेकिन सभी नहीं कई लड़के किशोरावस्था के दौरान अनुभव कर सकते हैं। इसका शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। महावारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो लड़कियों में किशोरावस्था के दौरान शुरू होती है। हमें स्वस्थ रहने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। हमारे शरीर के बारे में सही जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सवाल पूछने के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। अतिरिक्त सुझाई गई प्रक्रिया जो है इसमें आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि जीवन कौशल इसमें क्या है कि आत्म जागरूकता समालोचना का सोच समस्या का समाधान निर्णय लेना और प्रभावी संचार की चीजें इसमें है। संसाधन केस स्टडी और वही चीजें रहेगी। इस गतिविधि को 1 पॉइंट जो हमने पहले गतिविधि
है 1.3 के बाद ही आयोजित किया जाता है। गतिविधि एक सहलिंग समूह में आयोजित किया जा सकता है। यहाँ पे हालांकि अगर आपको लगता है कि शिक्षार्थी शायद नहीं होंगे, अगर डुएट रहेगा और शिक्षार्थी उसमें शायद नहीं हो पाएंगे विशेष कोर्स के लिए, तो इसे लड़के और लड़कों को अलग अलग भी आप इसे कर सकते हैं। आप इसमें आप देखेंगे महामारी से संबंधित भ्रांतियों पर चर्चा करते हुए आपको कुछ मुश्किल प्रतिक्रियाएं मिल सकती हैं, कुछ मुश्किल प्रतिक्रियाएं मिलेंगी जो तो वो चीजें इसके लिए आप पहले से तैयार रहेंगे। इन्हें संबोधित करने का मार्गदर्शन नीचे दिया गया है। इसमें लिखी चुनौतियाँ और उसमें स्थितियाँ दी हुई हैं। शिक्षार्थी सुविधा प्रदाता को चुनौती दे सकते हैं कि कुछ समुदाय और धार्मिक ग्रंथ में महामारी के दौरान धार्मिक स्थानों और रसोई में प्रवेश निषिद्ध है। इस तरीके से आपको सवाल करेंगे तो इसका जो है उन्हें आप क्या बताएंगे, उन्हें बताएं कि हमारे द्वारा पालन की जाने वाली कई प्रथाएं हैं क्योंकि वे हमारे संस्कृति का हिस्सा है, भले ही दूसरे उन पर विश्वास नहीं करते। हम अपने बड़ों से विकल्प पूछ सकते हैं और बड़ों से विकल्प पूछ करके उसका अगर शिक्षार्थी इन मानदंडों को चुनौती देने की कोशिश करते हैं तो माता पिता उन्हें स्वीकार भी कर सकते हैं, जिसे रातों रात एक परंपरा को बदलने की कोशिश शायद काम न करे। एक बात को कोई परंपरा नहीं कर सकती। परिवार के किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात कर सकते हैं, अपने विचार उनके डर और उनके जो है उनके डर और मूल्यों को समझते हुए बता सकते हैं। उनके कि शिक्षार्थी उदाहरण बता सकते हैं कि जब उन्हें महामारी के दौरान आचार को छुआ था और वह वास्तव में खराब हो गया था, या कैसे जब उन्होंने सामाजिक घटनाओं को चुनौती दी तो कुछ अनहोनी हो गई। ऐसा अगर सवाल आता है तो आप बता सकते हैं कि आचार खराब होना या कोई अप्रिय घटना आचार खराब होना या कोई अप्रिय घटना भी एक संयोग हो सकता है। आचार खराब होने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इन मान्यताओं का पालन कुछ समुदाय में ही किया जाता है और दुनिया भर की लड़कियों को इन मान्यताओं का पता नहीं है। एक संवाद के परिणाम से धीरे धीरे परिवर्तन हो सकता है। संवाद से ही परिवर्तन कुछ शिक्षा भी अस्वस्थ नहीं हो सकते और यह मानना जारी रख सकते हैं कि महामारी से संबंधित सामाजिक घटनाएं सच है। ऐसा दूसरी स्थिति में यह अपेक्षा करना असत्य हो सकता है कि शिक्षार्थी प्रथाओं और मान्यताओं को जिन्हें उन्होंने कई वर्षों तक देखा और पालन किया हो एक घंटे में बदल सकते हैं। ये आप समझ सकते हैं कि नहीं हो पाएगा। चर्चा का उद्देश्य है कि शिक्षार्थी गंभीर रूप से सोच सके, न कि तुरंत अपना दृष्टिकोण बदल दे। यह महत्वपूर्ण है कि वैज्ञानिक और सटीक जानकारी उनके साथ साझा की जाए। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रश्न और भी आते हैं। किशोरावस्था में स्वप्न दोष आना एक चिकित्सीय समस्या है या इसके लिए डॉक्टर की जरूरत है, तो इसमें देख लीजिए आप गलत है। स्वप्न दोष सामान्य और प्राकृतिक घटना है जो किशोरावस्था में कई लड़कों के साथ होती है और सामान्य रूप से पढ़ने का यह एक हिस्सा है। उसके बाद देखेंगे रात उत्सर्जन शारीरिक कमजोरी का कारण बनता है। कई बार ऐसे प्रश्न मैंने अपने जमाने में भी तो ये भी गलत है। शुक्राणु का उत्पादन एक बार शुरू हो जाता है तो पुरुष के बाकी जीवन काल में लगातार वो जो है उठता रहता है बनता रहता है शुक्राणु का। और वीर्य जो है वो शुक्राणु का पाप है। जब शुक्राणु की संख्या शरीर में रहने की सीमा से अधिक हो जाती है तो यह रात में उत्सर्जन के रूप में बाहर आ जाता है। वीर्य के निकलने से किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं होती है, ये बताना आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी लड़कों को आदमी बनने के लिए बाहरी दाढ़ी होनी चाहिए। इस तरीके से भी दाढ़ी वाढ़ी होती है तो थोड़ा लंबा दाढ़ी वाली बात करते हैं, तो ये धारणा भी गलत है। शरीर या चेहरे
हमारे जीवन हमारी थी और हारमोन पर निर्भर करती है। इस और इसके दिखाई देने के कई निर्धारित इसके दिखाई देने के कोई निर्धारित स्वरूप नहीं होता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है और कुछ पुरुष बहुत सारे शरीर के बालों का विकास नहीं कर सकते जबकि अन्य में घना विकास हो सकता है। इसका आदमी होने से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद जो है इस उम्र में प्रजनन अंग के बारे में जानकारी देना सही नहीं है। ऐसा भी पहले आपको मानसिकता बदल गई है तो ये बिल्कुल गलत है। यह सच है कि किशोरावस्था के दौरान शरीर में तेजी से बदलाव होते हैं जिनमें हमारे प्रजनन अंगों में बदलाव शामिल है। सही स्रोत कुछ प्रामाणिक स्रोतों का नाम आप बता सकते हैं। इसे जानकारी देना बिल्कुल सही है। जैसे पुस्तकता उदाहरण हो गया आज के दस दिया उस प्रकार से प्रामाणिक स्रोत आप बता सकते हैं। किशोर लड़कों में नाइट फॉल या सोमनोस एक सामान्य प्रक्रिया है और एक चिकित्सा समस्या नहीं है। ये सही सच है कि किशोरावस्था के दौरान लड़कों को नींद में लिंग में सफेद तरल पदार्थ का स्राव हो सकता है लिंग से। यह सामान्य बात है। हालांकि कई लड़के इसका अनुभव करते हैं लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी लड़के इसका अनुभव करें। रात उत्सर्जन एक समस्या नहीं जिसे उपचार की आवश्यकता होती है। यह बड़े होने की एक नियमित शारीरिक प्रक्रिया है। यह शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता। आगे बढ़ेंगे इससे लड़कियों में 9 से 16 साल की उम्र तक कभी भी महामारी शुरू हो सकती है। ये सही है। महामारी आमतौर पर 9 से 16 वर्ष की आयु के बीच की लड़कियों में शुरू होती है और 45 से 55 पहले भी आया था कि वर्ष में ये जो है बंद हो जाती है वृद्धि हो जाती है। इसकी शुरुआत एक लड़की से दूसरी से भिन्न हो सकती है। किसी में पहले आ जाए किसी में देर से शुरू हो। अगर किसी लड़की की 16 साल की उम्र तक महामारी शुरू नहीं होती है तो किसी योगी महिलाएं बच्चे के लिंग का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है ऐसा तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। बच्चे के लिंग का निर्धारण आदमी के शुक्राणु पर निर्भर करता है। हालांकि पुरुष अपने शुक्राणु के माध्यम से बच्चे के लिंग को नियंत्रित या तय नहीं कर सकता प्रकृति बच्चे के लिंग का निर्धारण करती है और महिलाओं को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। कहीं भी महिलाओं को शायद नहीं भी ठहराया जाता है लेकिन यह पता देना आवश्यक है। एक किशोर लड़की का शरीर किसी बच्चे को सहन करने और उसका पोषण करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो सकता है भले ही उसकी महामारी शुरू हो गई हो। ये सही है। जबकि महामारी एक संकेत है कि लड़की प्रजनन कर सकती है इसका मतलब यह नहीं है कि उसका शरीर एक बच्चे को सहन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 20 साल की उम्र के बाद एक लड़की मानसिक और शारीरिक रूप से मां बनने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकती है। अगर लड़की गर्भवती हो जाती है जब वह बच्चे के जन्म के लिए तैयार नहीं होती है तो वह मां और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही बुरा और नुकसानदायक है। एक किशोर लड़की का शरीर किसी बच्चे को सहित हो गया है इसमें एक इसमें महामारी लड़की महामारी वाली लड़की को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये गलत है। यह एक आम लिखक है और दूसरे और बहुत से लोग मानते हैं कि महामारी रक्त गंदा है और इसलिए एक महामारी वाली महिला भोजन को प्रदूषित कर सकती है। इस विश्वास का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लड़की अपने महामारी के दौरान जहां चाहे वहां जा सकती है। यहाँ पे चिंतनशील प्रश्न है बड़े होने के मुद्दों के बारे में आम गलत फहमियां क्या है तो आपसे देखा महामारी के दौरान लड़कियां क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है इस बारे में कई मान्यताएं हैं। सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने उनका मूल्यांकन करें और जाँच करें कि क्या ये सही है या सही नहीं है। किशोरावस्था के दौरान होने वाली सामान्य मान्यताओं के बारे में अपने माता पिता साथियों से बात करें या वे कुछ सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टिकोण से प्रभावित हैं ऐसा आप कह सकते हैं।
यहीं पे जो है आपने देखा कि किस प्रकार से हमारा ये सत्र हमें इस सत्र ने हमें बताया कि किस प्रकार से बढ़ते हुए बच्चे जो अभी ना तो वो बच्चे हैं और ना वो अभी वयस्क हुए हैं उस दौरान जो उनके हाथों में शरीर में और उनकी संवेदनाओं में जो परिवर्तन आता है और उनके पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं कैसे कैसे छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से कर सकते हैं और हम उनको एक एक अच्छा ज्ञान माइंड सेट दे सकते हैं एक परिपक्व माइंड सेट दे सकते हैं जो भविष्य के होंगे। इस सेशन में हमारे जो बच्चे होते हैं जो वयस्क हो रहे होते हैं उनके साथ उनके वो जो ढूंढ रहे होते हैं उनको सबसे ज्यादा आवश्यकता एक मित्र की और वो सबसे ज्यादा प्रभावित भी एक मित्र से ही होते हैं। वो अपने माता पिता की बात शायद ना सुनते हो या सुनते हो तो उसका पालन ना करते हो शिक्षक की भी बात को दरकिनार कर देते हैं लेकिन एक मित्र की बात को दरकिनार नहीं करते। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है क्योंकि वो मित्र भी खोज रहे होते हैं क्योंकि वो उम्र भी ऐसी होती है। तो हम लोग जब एक शिक्षक जब जाता है तो कभी कभी जो है माँ बाप भी बन जाता है विद्यार्थी का और माँ बाप बनते बनते वो फिर मित्र भी बन जाता है और मित्र बनते बनते हम लोग जो है एक मेंटोर की भूमिका अदा करते हैं। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे एक मेंटोर की तरह कैसे उनको हम मार्ग निर्देशन दे सकते हैं कैसे हम उनको अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं कैसे हम उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करके उनको एक अच्छा सामाजिक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं उनको एक ऐसे रास्ते में डाल सकते हैं जिस रास्ते पर वो चलते चलते एक ऐसे मकाम में पहुंचेंगे जहां से वो आपको याद करेंगे और कहेंगे कि हाँ हमें हमारे शिक्षकों ने ऐसा ज्ञान दिया है कि आज मैं कहीं भी खड़ा होता हूँ तो मुझे लोग विद्वान की दृष्टि से देखते हैं। तो इसमें हमारी बहुत अधिक भूमिका है यदि हम अपनी भूमिका से पीछे हटते हैं तो एक तरह से हम जो ये जो टीचर लर्निंग जो प्रोसेस है ये ज्ञान तो इसीलिए हम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस सेशन में मुझे लगता है कि कुछ समय और बचा है तो इस समय का ध्यान रखते हुए आप एक्टिविटीज जो आप कराते हैं वो एक्टिविटीज हम लोग क्लास में ही करानी है बाहर एक्टिविटीज हम लोग नहीं करानी है। उन एक्टिविटीज हमारे लिए क्यों जरूरी है ये एक बार और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीधे सीधे बात को नहीं समझ पाते एक्टिविटीज के माध्यम से उनको समझ जाते हैं जब वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर उसके बाद उनको बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आती है। उस प्रोसेस से जब गुजरते हैं तो बहुत सारी चीजें जो वैसे थ्योरी में नहीं समझ पाए थे वो प्रैक्टिकली एक साथ समूह में समझ पाते और समूह में अनेक प्रश्न होते हैं एक विद्यार्थी दूसरे से अनेक प्रकार के प्रश्नों को करता है और जवाब पूछता है और एक दूसरे से प्रश्न करते करते वो कब समझदार हो जाते हैं और कब वो बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं आपको भी नहीं पता। आपको पता चलता है जब आप कक्षा में सवाल करते हैं और विद्यार्थी जवाब दे देता है तब आप जान जाते हैं कि हाँ मेरी एक्टिविटी का जो है असर पड़ा है। हम बहुत सारी चीजें हम देते हैं घर से भी कुछ देते हैं कि आप घर से असाइनमेंट देते हैं घर से करके लाइए तो उस पर भी आप जोर दे सकते हैं लेकिन ये जो एक्टिविटीज जो कक्षा में होने वाली है ये सबसे ज्यादा महत्व रखती है। मुझे लगता है कि जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है ये एक्टिविटी के माध्यम से जितनी अच्छे से हो सकता है इसमें कई एक्टिविटीज और भी थी लेकिन मैंने समय को ध्यान में रखते हुए मैंने उनको शामिल नहीं किया और फिर अगर मुझे कभी अवसर मिलेगा तो इस मॉड्यूल में बहुत सारी चीजें करने के लिए है। ये तो एक अंश मात्र इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा ये कुछ भी नहीं था ये जो कुछ था अंश मात्र था तो फिर आगे इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आप लोग भी इसमें विचार करेंगे और विचार करके आप लोग खुद देखेंगे कि मैंने जो कुछ भी आपसे कहा जो कुछ भी हमने यहाँ पे चर्चा की वो कितना और वो कितना लाभकारी आपके लिए हो सकता है और कितना आप उसको विद्यार्थियों तक पहुँचा ये आपके
दुनिया में ऐसी कमजोरी हो उसके लिए मैं क्षमा करता हूं। जिस तरह के तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं